वो भी कह रही है गोवा। आज हम जा रहे हैं गोवा, अभी तक कैनेडा के लिए एयरपोर्ट जा रहे हैं। ये देखो ये लव है, लव आज आप ब्लॉग में क्या कहने जाओगे अपने? तो कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हैं लव या मम्मा? चिपी दादू हम दो जा रहे हैं। मुझे नहीं ले चलना है गोवा। क्यों नहीं ले चल रही भाई? और ये चिपी तो चम्मच बाय बाय चलो ना भैया ठीक है। चिप्पी दो जा रहे हैं पहले से भी और हमने ट्रॉली ले ली है, अब हम इस पे सामान रखेंगे है ना। हम एयरपोर्ट पे आ चुके हैं, बैग चेक इन भी हो चुका है, हमारा लगेज जा चुका है। अब ये थोड़ा खाने वाने में लगे पड़े हैं। देखो भूखे घर से रोटी खा के आएगी? भूखे ही है, नहीं खाएगी यहीं आके चेक करिए क्या पे है। तो हमारे ये बोर्डिंग पास भी आ चुका है, बैग की चेन जरा ख़राब हो गई थी इस वजह से उसको रैप करवाना पड़ा। अब रैप करवाने के बाद अब हमने बोर्डिंग पास ले लिया, अब हम एरिया में जाएंगे। ये देखो कोक पी रही है ये, थोड़ा सा जाके आपसे बात करते हैं बाय। तो हमारा बैग चेक इन भी हो गया, ये देखो लगे रो रही है। हमारा बैग चेक इन भी हो गया है, लगेज चेक इन भी हो गया है, हैंड बैग चेक इन भी हो गया। मैं तो फर्स्ट टाइम ये पहुँच गया है और साथ साथ में क्या नाम है, ये इतनी सिक्योरिटी है कि आधी चीज़ें समझ भी नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। वो तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, थोड़ी दिक्कत होती है आपको। ठीक है थोड़ा सेटल हो गया, थोड़ा उसको फ्लाइट में बैठा। अब हम बैठ गए हैं वेटिंग एरिया में, तो सूट भी लगी पड़ी है। ये यहाँ का वेटिंग एरिया है दिल्ली एयरपोर्ट का, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। ये रजनी हमारी फोन चला रही है, लव है रो रही है, वो वाली मोटी मोटी सी चीज भी आ गई, चौथी सी चीज भी आ गई। तेरी बारी है। तो फूड कोर्ट एरिया जो है इसका ही नीचे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। हम अपने वैसे भी गेट के पास बैठे हैं, जो गेट है हमारा 35 नंबर है और इसका फूड कॉम्प्लेक्स है ऊपर की साइड पे। ये हमारा गेट नंबर है 35, ये ऊपर फूड कॉम्प्लेक्स रोशन है। ये नेटवर्क बाहर बात क्या बस थोड़ी देर चिलिंग करेंगे यहाँ पे, फिर आफ्टर चेयरिंग वी आर कॉफी ओके चुपी बाय बाय चुपी चीतू बाय चीतू बाय ये तो चीतू 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 चीतू। तो ये फॉरन टैक्स भी यहाँ पे आए हैं अभी से भी बात ये फोटो तो फॉरन टैक्स रेलवे स्टेशन पे थे उनमें से हमारे ये फॉरनर भी है गलती से हमारे घर में आ गए बस। ये भी फॉरनर ही है विदेशी बाहर से एक्सपोर्ट किया हुआ बच्चा ही है। बाहर से एक्सपोर्ट किया था, कहाँ से मंगाया ये बेबी? लंदन से मंगाया ये, लंदन से मंगाया बेबी। तो चलो कुछ खा पी लेते हैं फिर आप लोगों से बात करते हैं। हमने अभी डोसा मंगाया था, डोसा हम ठू चुके हैं, ब्राजीलियन फूड हमने चिकन विंग्स बनाए हैं। ये पेप्सी का ग्लास है, वो लव है मरी जा रही पीने के लिए ना। चू भी को नहीं मिला, क्या हुआ नहीं दिया तो पानी जीत करेंगे, पानी कहाँ से डालेगी? पानी जीत करेगी, पानी कहाँ से डालेगी? मेरे तो तूती बना के बैठ जाएंगे बैठ रहेंगे। ये देखो ये फूड कोर्ट एरिया है, नहीं पिला रही है।
टेक ऑफ कर चुका है, ये देखो जैसे प्लेन थोड़ा स्टेबल होता है फिर थोड़ी वीडियो बनाएंगे। आ गए हैं, अभी थोड़ा नीचे जा रहे हैं एयरपोर्ट पे, थोड़ी देर शांति से बैठ के थोड़ी वीडियो शीडियो बना के फिर बात करते हैं, बाय। तो इसी में से हम उतरे हैं, इसी प्लेन में से हम उतरे हैं, ये अटैच है उसके साथ फ्रंट। शुभ, आप गोवा पहुँच गए? पहुँच गए? मज़ा आया प्लेन में? है? है? मज़ा आया आपको? है? शुभी, शुभी। कल मैं किसमें बैठ के जा रही है? शुभी। फोटो खींच रहा हूँ ना। तो हम गोवा एयरपोर्ट आ चुके हैं, आ जाना गोलू। छुपी रुक जा, आज गोरी वो आ रही है, आज गोदी आ जा। फाइनली हम गोवा पहुंच चुके हैं, अब हम जा रहे हैं होटल। गोवा आ चुके हैं, कैब से उतर चुके हैं, हमने रूम भी रेंट पे ले लिया है और अभी हम रोटी वोटी खाने के जाएंगे। वो मेरे फ़ोन की बैटरी है नहीं बिल्कुल, मैं लगा इसको चार्जिंग पे और रोटी खाने के लिए जा रहे। बाकी जो होटल का रिव्यू है आपको आप कल देंगे, आज कल लेंगे जो आज का जो भी था सब इतना ही आज का ही। चलो बाकी आपसे कल मिलती है, बाय, थैंक यू। और देखते रहिए कल वाले के लिए, बने रहिए।